यूएसए वर्सेस बांग्लादेश थर्ड थर्ड T20 मैच जो बांग्लादेश आसानी से जीत लिया है। बांग्लादेश बहुत अच्छा खेला इस मैच में, और इसका फल स्वरूप बांग्लादेश ने ये जो 3 मैच की सीरीज, इस 3 मैच की सीरीज में 2-1 पर हराए। हाँ ठीक ही कह रहा हो, बांग्लादेश हार चुका है सीरीज, लेकिन अंध का जो मैच, वो मैच बहुत अच्छा खेला है। और वो जो कहानी है ना, अंध भला तो सब भला, तो बांग्लादेश का ये लास्ट मैच जीत कर थोड़ा वो जो वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा उनका जो शक्ति, गेंदबाज, बैटिंग, वो उनका उसका झलक दिखाया। और बांग्लादेश के लिए ये जो मैच, ये मैच जीतने का सबसे बड़ा दावेदार है मुस्ताफिजुर रहमान। क्या कमाल की गेंदबाजी किया है मुस्ताफिजुर रहमान इस बार आईपीएल में, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हाँ ठीक कह रहे हो, बहुत अच्छे, चेन्नई के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था। फिर मानो ये जो बांग्लादेश के लिए 6 विकेट चटका ना इस मैच में, ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि पहला T20 मैच, दूसरा T20 मैच उनका अच्छा गया नहीं। हाँ उनका अच्छा गया नहीं, पहला T20 मैच में अंत में 15 रन पर ओवर चाहिए था, फिर भी बचा नहीं पाया। इसके कारण उनके लिए चर्चा भी हुआ था, लेकिन दूसरा T20 मैच में थोड़ा अच्छा खेला था, लेकिन अंत की मैच में बहुत अच्छा कमाल की प्रदर्शन किया है। हाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यूनाइटेड स्टेट्स जो पहले बैटिंग करते हुए 104 रन बना पाया, सिर्फ बना पाया 104 रन, ठीक ही कह रहे हो। और इस मैच में मुस्ताफिजुर अकेला ही 6 विकेट चटकाया, और मुस्ताफिजुर 4 ओवर गेंदबाजी किया, 10 रन दिया, एक मैडन दिया, और क्या किया, 6 विकेट चटकाया। ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक ही कह रहे हो, बहुत बढ़िया गेंदबाजी किया है मुस्ताफिजुर रहमान ने। और मुस्ताफिजुर की वजह से ही मानो ये जो मैच, ये मैच बांग्लादेश आसानी से जीता है। बांग्लादेश के लिए मानो ये जो सीरीज तो उतना अच्छा गया नहीं, क्योंकि सीरीज में पहला 2 मैच में ही हार चुका था, और पहले ही हार गया था सीरीज। फिर मानो लास्ट मैच में बहुत चर्चा, काफी चर्चा हुआ था। हाँ बांग्लादेश के हर एक फैन मानो बहुत ट्रोलिंग किया है अपना खुद का टीम को, और फिर वापसी करना, कमाल की वापसी किया है, तो अच्छा खेला है। और अंत में जब बांग्लादेश बैटिंग करता है ना, तो दूसरा इनिंग्स में, तो बांग्लादेश के लिए तंजीद हसन तमीम और सोमो शंकर, ये दोनों ने मैच जिता कर उठा, ठीक ही कह रहे, दोनों ने ही मैच जिताया। और तंजीद हसन जो 58 रन बनाया, सोमो शंकर जो 43 रन बनाया, तो ये दोनों बैट्समैन ने अच्छा खेला, और नॉट आउट रहा, और नॉट आउट रायकर पवेलियन में गया, और अच्छा खेला है। हाँ ठीक ही कह रहे, अच्छा खेला है दोनों बैट्समैन, गेंदबाज बैटिंग दोनों विभाग में बांग्लादेश आज लास्ट मैच में अच्छा खेला है, और इसका फलस्वरूप मैच जीता है। तो और बांग्लादेशी फैंस के लिए थोड़ा राहत होगी, क्योंकि यूएसए के साथ पहला 2 मैच हारने के बाद लास्ट मैच जीता है। हाँ सीरीज हार चुका है, फिर भी लास्ट मैच जीता है, बांग्लादेशी फैंस के लिए तो बहुत बढ़िया बात है। तो आपको ये जो मैच, आप क्या देखा है, क्या मुस्ताफिजुर की गेंदबाज देखा है? अगर आप ना देखा तो हाईलाइट देख लीजिए, क्योंकि कमाल की बॉलिंग किया है मुस्ताफिजुर रहमान ने। हाँ ठीक ही कह रहे हो, और यूएसए का कोई बैट्समैन आज उतना अच्छा खेल नहीं पाया। हाँ ठीक ही कह रहे हो, पहले बैटिंग करते हुए यूएसए का कोई बैट्समैन उतना अच्छा खेल नहीं पाया, क्योंकि यूएसए भी आज कुछ चेंज किया था, परिवर्तन किया था। तो जब ओपनिंग जूटी परिवर्तन हुआ था, तो शायन जहांगीर और एड्रिस घोष, ये दोनों ओपन करते आया, तो ये दोनों ने अच्छा खेला था, क्योंकि 18 रन बनाया एक, और एक 27 रन बना, तो उसके बाद मैंने कोई खेल नहीं पाया, क्योंकि एनआर कुमार जो 3 रन पर आउट हो गया था मुस्ताफिजुर के गेंद पे, मिलन कुमार वो भी 7 रन पर आउट हो गया ऋषभ हुसैन की गेंदबाजी में, एरन जोन्स और तंजीद हसन शकीब के गेंदबाजी में आउट हुआ 2 रन बनाकर, कोरी एंडरसन मुस्तफिजुर की गेंद पर बोल्ड हुआ 18 रन बनाकर, बेन स्टोक्स के वो भी मुस्तफिजुर की गेंदबाजी में 12 रन बनाकर बोल्ड आउट हुआ, जेसी सिंह वो भी मुस्तफिजुर की गेंदबाजी में बोल्ड हुआ, तो और निशरक पटेल 2 रन बनाया मुस्ताफिजुर की गेंदबाजी पर, कैच आउट होकर चला गया। यही है लेखा जोखा, मानो मुस्ताफिजुर 6 विकेट चटकाया, तो मुस्ताफिजुर के लिए एक अलग, हाँ अलग दिन है। तो वर्ल्ड कप कुछ दिन बाद ही स्टार्ट होंगे, तो उससे पहले मुस्ताफिजुर के फॉर्म में आना तो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या बांग्लादेश इस बार कुछ अच्छा खासा कर पाएंगे इस T20 वर्ल्ड कप में? तो देखिए शिलोंग का, उस ग्रुप में शिलोंग का है, साउथ अफ्रीका है, नेपाल है, तो इतना आसान ग्रुप होंगे नहीं, क्योंकि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका अगर 2 टीम जाए तो बांग्लादेश बाहर हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या बांग्लादेश इस बार वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा खासा कर पाएंगे? आप कमेंट करके बताओ, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। हाँ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।